आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजनी, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। भाकपा जिला कमेटी कोडरमा की बैठक साहू धर्मशाला झुमरी तिलैया में सुदामा यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को की गई। बैठक में विगत कार्यक्रमों का कार्य रिपोर्ट जिला मंत्री प्रकाश रजक ने पेश किया, जो सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं सहायक राज्य मंत्री कॉमरेड राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने पैसेंजर ट्रेन का किराया दुगने से भी ज्यादा किया। रसोई गैस के दाम, डीजल पेट्रोल पर दाम से डबल टैक्स लिया जा रहा है। शेर पालने का ड्रामा कर मोदी जी पूरे देश की कमर तोड़ रहे हैं। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिप सदस्य महादेव राम ने कहा, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने के अलावा बेटियों की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के लिए कुछ किया होता तो देश में बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आती। इनको बेटी बस वोट के लिए याद आती है, फिर कुर्सी बचाने लगते हैं। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा जिला मंत्री प्रकाश रजक ने कहा, सरकारी संपत्ति असल में देश की संपत्ति होती है और देश वहां के लोगों से बनता है। इस लिहाज से सरकारी बैंक आम लोगों का बैंक है। सरकारी बैंकों को बेचकर देश का गुल्लक अपने दोस्तों के हवाले करना चाहती है। अगर देश बचाना है तो बैंकों को बचाना होगा। मोदी जी सभी सरकारी संपत्ति को बेचने पर आतुर हैं। वहीं बैठक में 23 मार्च 2021 को अखिल भारतीय नौजवान संघ कोडरमा इकाई ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह का शहादत दिवस मनाने का फैसला लिया गया। ये शहादत दिवस कोडरमा प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय लरिया डिही में मनाया जाएगा। वहीं बैठक को किसान नेता महेश प्रसाद सिंह, महिला नेत्री सोनिया देवी, अंचल मंत्री अर्जुन यादव, उप प्रमुख वीरेंद्र यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया और मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोडरमा की बैठक साहू धर्मशाला झुमरी तिलैया में सम्पन्न की गयी और इस बैठक में 23 मार्च 2021 को लरियाडी आदर्श विद्यालय में शहीद आजम सरदार भगत सिंह का शहादत दिवस मनाने का हम लोगों ने फैसला लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी फैसला लिया कि कोडरमा जिला में पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों पर रहेगा। इसके लिए हम लोग 25 तारीख को फिर झुमरी तिलैया में बैठक करेंगे। इसलिए हम लोग बैठक करेंगे कि पार्टी को जोरदार मजबूत करेंगे और पार्टी को संगठन करेंगे, क्योंकि देश में जब से मोदी जी आए हैं काला कानून ला रहे हैं, कल कारखाने बेच रहे हैं, LIC बैंक बेच दे रहे हैं और बेरोजगार कर दे रहे हैं। आज जिन महिलाओं को सिलेंडर गैस दिया था, आज उन महिलाओं ने सिलेंडर गैस घर में रख करके आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है, सभी गाड़ी का भाड़ा बढ़ चुका है। इसके लिए पूरे देश में आक्रोश है जनता में। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ही एक पार्टी है जो सड़क पर उतर करके ये मोदी जी का विरोध करते हैं। झुमरी तिलैया साहू धर्मशाला में भाकपा जिला परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में हम सभी पार्टी के साथियों ने चिंता व्यक्त किया कि देश तानाशाह की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह उपराज्यपाल को दिल्ली में शक्तियां दी जा रही हैं, पिछले दरवाजे से उनको हीरो बनाया जा रहा है, कलेक्टर राज कायम किया जा रहा है, इस लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। अरविंद केजरीवाल को वहां बौना दिखाने के लिए भाजपा ये कसरत कर रही है, लेकिन चुनी हुई सरकार होती है, चुनी हुई सरकार को शक्तियां मिलना चाहिए और इस तरह चुनी हुई सरकार की शक्ति को कमजोर करना, साथ ही साथ अभी देश में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, उनकी स्वतंत्रता छीनने की बात हो रही है, प्रेस की स्वतंत्रता छीनना, उपराज्यपाल को अधिक पावर देना, कहीं न कहीं ये देश ये तानाशाही की ओर जा रहा है और इसका श्रेय ये किसी न किसी रूप में मोदी को जाता है। मोदी धीरे धीरे देश को तानाशाह की ओर ले जा रहा है, पूरे दुनिया में इसकी निंदा हो रही है और इससे हमारा छवि दुनिया में खराब हो रहा है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कोडरमा जिला परिषद की बैठक हुई। हम लोगों ने पूरे देश के अंदर
किसान मजदूर बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ 26 अप्रैल को बंद का आह्वान किया है। किसानों के समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में 26 तारीख को गोलबंद होकर तमाम वामपंथी पार्टी और जनवादी पार्टियों को मिलाकर 26 तारीख को भारत बंद का सफल करने का आह्वान किया है। इसमें कोडरमा जिला परिषद ने फैसला लिया है कि इसको मुकम्मल बंद करने के लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरी बात जो है, 23 तारीख को भगत सिंह की शहादत दिवस हम मनाने जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस वर्ष का जो शहादत दिवस मनने जा रहा है तमाम वामपंथी पार्टियों और जनवादी पार्टियों को लेकर, कि भगत सिंह ने जिस सपना को देखा था देश की आजादी के बाद कि लोकतंत्र की स्थापना होगी, हमारा संविधान होगा, सबको समानता का अधिकार मिलेगा, बराबरी का हक मिलेगा और सारे संवैधानिक अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी की सरकार समाप्त कर देना चाहती है और जो तानाशाही प्रवृत्ति का जो कानून है जो हिटलर ने किया था जिस देश के अंदर, क्या अंधभक्ति को फैलाओ, राष्ट्रवाद को फैलाओ, राष्ट्रवाद कह करके राष्ट्रीय भक्त बनाओ और यह आह्वान दे करके देश के अंदर जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, संवैधानिक जो बने हुए संस्थाएं हैं उसको समाप्त करके एक व्यक्ति शासक बन जाए, उसी रास्ते पर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर अभी उन्होंने कह दिया कि गवर्नर को सब पावर रहेगा और चुनी हुई सरकार जो संवैधानिक सरकार है मुख्यमंत्री वहां का वह शक्तिहीन हो जाएगा। पूरे देश के अंदर आज इसका विरोध हो रहा है। 23 तारीख को जो हम शहादत मनावेंगे उस दिन संविधान की रक्षा का शपथ लेंगे कि देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हम करेंगे और अगला जो हमारा पड़ाव होगा तो 25 तारीख तक हम जुलूस निकालेंगे, धरना देंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे, पुतला जलाएंगे, यह सब कार्यक्रम हमने तय किया और इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक अधिकार जो मिले उसको बचाने के लिए भगत सिंह को 23 तारीख को याद करेंगे और उनके शहादत दिवस मनाएंगे। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।